The state of Uttarakhand came into existence on 9th November 2000. Dehradun is the capital of this state. The hill in Uttarakhand include high ranges such as Garhwal and Kumaun. यहाँ हम देखेंगे कि 9th नवंबर 2000 को उत्तराखंड स्टेट एग्जिस्टेंस में आया. उस समय चार स्टेट एग्जिस्टेंस में आया जिसमें झारखंड भी था. और पहले जहां चक्र में 24 स्पोक्स 24 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन बाद में जब 28 हुआ तो 28 स्पोक्स नहीं किया गया, 24 ही है. लेकिन 24 स्पोक्स का बहुत बढ़िया मतलब है, रिलेशन है 24 स्टेट से. ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोग किस तरह का वृत्ति अपनाते हैं. एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपुल. द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, वेट, मेज एंड वेजिटेबल्स. यहाँ के लोग भी प्रमुख रूप से एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं और कैटल रियरिंग करते हैं. और कुछ प्रमुख फसल जो यहाँ उपजाए जाते हैं, राइस है, वीट है, मेज है और कुछ प्रमुख वेजिटेबल्स है. यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल, हिंदी एंड गढ़वाली आर द मेन लैंग्वेजेज स्पोकन हियर. यहाँ के लोग हिंदी और गढ़वाली भाषा को बोलते हैं. मैनी ट्राइब्स लिव इन दिस स्टेट. द भोटिया ट्राइब इज द मोस्ट कॉमन. दे आर हिंदूज बट मैनी ऑफ देम ऑल्सो फॉलो बुद्धिज्म. भोटिया मैन वेयर अ लॉन्ग कोट विथ पजामा एंड अ कैप, वाइल द वुमेन वेयर अ शॉर्ट स्लीव्ड कोट कॉल्ड चुंग. यहाँ बहुत सारे ट्राइब्स जो छोटी छोटी जाति जनजाति है वे पाए जाते हैं, उनका यह वे रहते हैं. और भूटिया ट्राइब्स बहुत कॉमन है, हर जगह मिल जाता है. और यहाँ के जो ट्राइब्स है वो ज़्यादातर हिंदूज है, लेकिन कुछ वैसे भी हिंदू है जो बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं. और यहाँ के लोग एक लंबा कोट पहनते हैं, कोट के साथ साथ पजामा भी होता है और एक कैप भी होता है, जबकि औरतें छोटी बाँह वाली कोट पहनती है जिसको चुंग बोलते हैं. फेमस प्लेसेस, हिल स्टेशन लाइक नैनीताल एंड मैसूर लाए इन दिस स्टेट. द फेमस पिलग्रिम सेंटर्स इन दिस स्टेट आर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश एंड हरिद्वार. ये जो देहरादून में प्रमुख हिल स्टेशन जैसे नैनीताल और मैसूरी है, और यहाँ कुछ पिलग्रिम सेंटर्स जहाँ पिलग्रिम्स तीर्थयात्री जाते हैं वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार है. ये सब रिलीजियस प्लेस है. उत्तराखंड स्पेशल, उत्तराखंड किस रूप में स्पेशल है. गंगोत्री एंड द यमुनोत्री ग्लेशियर्स आर द ओरिजिन पॉइंट्स ऑफ द रिवर गंगाज एंड यमुना रेस्पेक्टिवली. ग्लेशियर्स जो जहाँ से नदियाँ निकलती है, और वो गंगोत्री और यमुनोत्री है. गंगोत्री से गंगा निकलती है और यमुनोत्री से यमुना निकलती है. बासमती राइस ऑफ देहरादून इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और यहाँ का राइस बासमती राइस वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है. सिक्किम के बारे में हम जानेंगे. सिक्किम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज बिटवीन नेपाल एंड भूटान. सिक्किम सबसे छोटा जो कुछ छोटे स्टेट्स है उसमें से एक है, और यह ईस्टर्न हिमालयाज में नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है. द नेम सिक्किम हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिक्किम विच मीन्स हैप्पी होमलैंड. सिक्किम जिस शब्द से बना हुआ है वो है सिक्किम, जिसका मतलब हैप्पी होमलैंड होता है, मतलब खुशी से भरा हुआ रहने का जगह. द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज गंगटोक. माउंट कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज इज इन सिक्किम. और यहाँ का जो कैपिटल है वो गंगटोक है, सिक्किम का कैपिटल गंगटोक. और माउंट कंचनजंगा जो है वो सबसे वही तीसरी सबसे ऊंची चोटी है
जो सिक्किम में है। ऑक्यूपेशन, यहाँ के रह रहे लोग, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीने के लिए या जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, तो यहाँ के भी लोगों को कुछ ना कुछ करना है, वही उनका ऑक्यूपेशन है। द मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ सिक्किम आर कैसिव नट्स, कैडमोम, गिंगर एंड ऑरेंजेज, सीप एंड यॉक्स आर रियर्ड बाय द लोकल पीपुल। यहाँ के लोग भी एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं और कैसिव नट्स, कार्डमोम, गिंगर और ऑरेंजेज ये सब उपजाते हैं और पशुपालन भी करते हैं, और जिसमें शीप और याक को यह पालते हैं। लाइफ स्टाइल, मोस्ट ऑफ द पीपुल लिविंग हियर आर बुद्धिस्ट, दे वेयर लूज एंड कलरफुल क्लोथ्स, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इज कॉल्ड बैकू। और यहाँ जितने भी लोग हैं वे ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी है, बौद्ध भिक्षु है, और यहाँ के लोग लूज कपड़े पहनते हैं लेकिन कलरफुल होता है। और जो यहाँ का पारंपरिक औरतों का जो पारंपरिक ड्रेस है वो बैकू है। द मास्क डांस ऑफ सिक्किम इज वेरी पॉपुलर, यहाँ के लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाकर डांस करते हैं जो बहुत पॉपुलर है, और आज तो ऐसा समय आ गया है कि पूरा लोग मास्क लगाकर चल रहे हैं। द पीपुल हियर ईट राइस, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स, दे ऑल्सो ईट पॉक, और यहाँ के लोग राइस, पल्सेज और वेजिटेबल्स मतलब दाल भात सब्जी खाते हैं, और ये पॉक जो एक तरह का मीट है वो भी खाते हैं। फेमस प्लेसेज, देयर आर मैनी मोनेस्ट्रीज इन द सिक्किम, तो बौद्धों के रहने का जो जगह होता है वो मोनेस्ट्रीज होता है। रेमटेक मोनेस्ट्रीज इज अ लैंडमार्क ऑफ सिक्किम, और सिक्किम में जो रेमटेक मोनेस्ट्री है वह प्रमुख जगह है।